दोस्तों नमस्कार। असेसमेंट ईयर 2024-2025 यानी संबंधित वित्त वर्ष 2023-24 की आईटीआर फाइलिंग करने का सीजन अब शुरू हो चुका है और ऐसे सभी करदाता जिन पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती उनके लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 रहने वाली है। हालांकि ये भी बात पक्की है कि जो लोग 31 जुलाई 2024 तक अपने रिटर्न नहीं भर पाएंगे उनको 31 दिसंबर 2024 तक की डेट भी मिलेगी। अब आज की इस वीडियो से मैं आपके समक्ष एक डिस्कशन लेकर के आया हूं आईटीआर वन फॉर्म पर कि आईटीआर वन फॉर्म किस करदाता को भरना है, कौन करदाता ये फॉर्म नहीं भर सकते, आईटीआर वन फॉर्म भरने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं और साथ ही दोस्तों लास्ट में एक डिस्कशन आईटीआर वन फॉर्म की फाइलिंग करते समय कौन से कॉलम में क्या डिटेल आप फिल कर सकते हैं ये चर्चा भी आपसे इस वीडियो के थ्रू मैं सी अनु भाटिया करने वाला हूं। तो आइए आगे लिए चलता हूं। दोस्तों शुरुआत करते हैं कि आईटीआर वन फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है, यानी कौन करदाता आईटीआर वन फॉर्म भर सकता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, यानी ऐसे सभी करदाता जो इंडिया में भारतवर्ष में रेजिडेंट है उनके लिए आईटीआर वन फॉर्म एप्लीकेबल होता है। हु हैज टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है टोटल इनकम तो आप आईटीआर वन नहीं भर सकते, लेकिन अन्यथा आईटीआर वन फॉर्म एप्लीकेबल होगा। और ऐसे करदाता के पास में इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स की इनकम हो सकती है। ये तीनों हेड्स में भी इनकम हो सकती है या इनमें से किसी एक अथवा दो हेड की इनकम भी हो सकती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो आईटीआर वन फॉर्म भरने जा रहा है या ऐसा करदाता जो आईटीआर वन फॉर्म भरने जा रहा है उनकी यदि एग्रीकल्चर से आए हैं, हालांकि दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है परंतु एग्रीकल्चर इनकम को आपको रिटर्न में दिखाना होता है। तो यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम ₹5,000 तक है, उससे ज्यादा नहीं है, तो आप आईटीआर वन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ डेवलप करी कि आईटीआर वन फॉर्म कौन भरेगा। जो व्यक्ति रेजिडेंट है, जिसकी टोटल इनकम 50 लाख तक है, जिसके पास इन तीन हेड्स की जो मैंने यहां डिस्कस की उनकी इनकम है और जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा की नहीं है। लगे आप दोस्तों ये डिस्कशन भी कर लेते हैं हु कांट फाइल आईटीआर वन, आईटीआर वन फॉर्म कौन नहीं भर सकता। एन इंडिविजुअल हुज रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। यदि आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, यानी आप निवासी हैं और तभी आप आईटीआर वन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप अनिवासी भारतीय हैं या आप निवासी तो हैं परंतु ऑर्डिनरली रेजिडेंट निवासी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आईटीआर वन फॉर्म आप नहीं भर सकते। आप कहेंगे अनुप जी फिर हमें कौन सा फॉर्म भरना है, यहां जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं उस परिस्थिति में अगर आप सैलरीड पेड पर्सन है तो आपको आईटीआर टू फॉर्म भरना पड़ेगा। एन इंडिविजुअल हु इज डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं रिलेवेंट वित्त वर्ष में, से फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, या आपके पास में वित्त वर्ष 23-24 में किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स थे तो आप आईटीआर वन फॉर्म नहीं भरेंगे। इफ एसएससी हैज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस और लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड आए, यदि आपके पास में पीछे के सालों से कोई लॉस है जिसे आप एडजस्ट करना चाहते हैं करंट ईयर में, या इस ईयर के कोई लॉस है जिन्हें आप कैरी फॉरवर्ड कराना चाहते हैं, तो भी आप पर आईटीआर वन फॉर्म नहीं लागू होगा, आप आईटीआर टू फॉर्म भरेंगे। इफ एसएससीएस साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर भारत से बाहर विदेश में आपके किसी खाते में साइनिंग की अथॉरिटी है या फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी आउटसाइड इंडिया है, से वहां के शेयर्स होल्ड किए हैं, डिवेंचर्स होल्ड किए हैं, तो भी आप आईटीआर वन फॉर्म नहीं भरेंगे। इन केस वेयर टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N, सर्टेन लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉल के केस में 194N में टीडीएस कटता है, यदि आपका 194N सेक्शन में टीडीएस कटा है तो आप आईटीआर वन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इफ इनकम टैक्स इज डेफर्ड ऑन ईसॉप, कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप स्कीम के अंदर शेयर्स अलॉट करती हैं या अन्य सिक्योरिटीज भी अलॉट कर सकती हैं, तो वहां पर एक ईसॉप के केस में इनकम टैक्स का डेफरल स्कीम चलती है। यदि किसी एम्प्लॉय को इनकम टैक्स डेफरल का बेनिफिट मिलता है ईसॉप स्कीम में तो वो आईटीआर वन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एंड इफ द एसएससी हैज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, यदि आपकी विदेश से कोई आए हैं या
As an SSC, you wish to claim the double taxation relief under section 90, 90A or 91. आप double taxation यानी दोहरे कराधान का benefit claim कर सकते हैं, पर ऐसी परिस्थिति में आपको ITR 1 form applicable नहीं होगा, फिर आपको ITR 2 form भरने के बारे में विचार करना होगा। दोस्तों शुरुआत में मैंने कहा था कि आपके पास में salary, house property, other source की income होनी चाहिए। परंतु ITR 1 भरने के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सिंगल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी आय हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल है, तभी आप ITR 1 भरेंगे, नहीं तो ITR 2 भरेंगे। अब प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी आप स्वयं उसमें रह रहे हैं, या आपने उसे किराए पे दिया है, या डीम्ड लेट आउट है, खाली पड़ी है और इनकम टैक्स लॉ कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी लेट आउट मानी जाएगी। तो तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी, यदि एक प्रॉपर्टी आपके पास में है तो आप ITR फॉर्म 1 भरेंगे, लेकिन यदि दो अथवा उससे अधिक प्रॉपर्टी आपके ऑनरशिप में है तो आप पर ITR 1 फॉर्म ना एप्लीकेबल होकर के ITR 2 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। जिस प्रकार दोस्तों मैंने हाउस प्रॉपर्टी हेड से रिलेटेड इनकम का डिस्कशन किया, उसी प्रकार क्वेश्चन आता है व्हाट कुड बी द कवरेज ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ ITR 1। तो मेरी ओपिनियन में ITR 1 में आप अदर सोर्स की इनकम में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, से डिविडेंड इनकम, लाभांश, फैमिली पेंशन की आय, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा। अब क्या नहीं शामिल करना है, यानी जो आगे इनकम मैं बोलने वाला हूं एग्जाम्पल के लिए, वो है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, परंतु यदि आपके पास में वो इनकम है तो आप ITR 1 की जगह ITR 2 फॉर्म भरेंगे, जैसे लॉटरी विनिंग की इनकम, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इनकम इत्यादि के केसेस में आपकी अदर सोर्स इनकम होने के बावजूद आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे, फिर आपको ITR 2 भरने का ऑप्शन अवेल करना है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ITR 1 से रिलेटेड है, जिनका जिक्र मैंने शुरू में भी किया था कि आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा, यानी कैन कैपिटल गेन इनकम बी रिपोर्टेड इन ITR 1? मान लीजिए आपने शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन से कुछ कैपिटल गेन कमाया है, तो क्या आप ITR 1 भर पाएंगे उनको रिपोर्ट करने के लिए? नहीं, फिर आपको ITR 2 भरना होगा। कैन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन बी रिपोर्टेड इन ITR 1? नो सर, अगर आपके पास में बिजनेस प्रोफेशन स्रोत से आए है तो आप ITR 1 नहीं भरेंगे, फिर आप पर ITR 3 या ITR 4 एप्लीकेबल होगी। वेदर ITR फाइलिंग विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज की डेट में प्रैक्टिकली ITR 1 आपको ऑनलाइन ही भरनी है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि CPC, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक विंग है, वो आपको पोर्टल के थ्रू जब रिटर्न भरने का ऑप्शन देती है तो आजकल एक प्री फिल्ड रिटर्न आपको मिलती है। ITR 1 या 2 जो भी आप पर एप्लीकेबल होगी वो प्री फिल्ड अवेलेबल होगी। प्री फिल्ड का मतलब यह है कि वहां पर जितना डेटा डिपार्टमेंट के पास है वो आपको ऑलरेडी शेयर कर देंगे, आपको उस डेटा को वेरीफाई करना है कि सही है गलत है, और यदि आप उससे संतुष्ट हैं तो उसके अनुरूप आपको अपनी ITR ओके करनी होगी। वेदर सेल्फ एडजस्टमेंट टैक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू बी पेड बिफोर ITR 1? सेल्फ एडजस्टमेंट टैक्स होता क्या है दोस्तों? मैं ITR भरने गया, मैंने देखा जी मेरी टैक्स लायबिलिटी टोटल 1,10,000 आ रही है, 1,00,000 रुपए एस TDS ऑलरेडी कटा है, बाकी 10,000 ड्यू है। ये 10,000 यदि मैं रिटर्न भरते समय देता हूं तो दोस्तों इसे सेल्फ एडजस्टमेंट टैक्स कहते हैं। प्रैक्टिकली आप यदि रिटर्न भर रहे हैं और आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी ड्यू है तो ITR 1 भरने से पहले आपको अपना सेल्फ एडजस्टमेंट टैक्स अगेन ऑनलाइन पोर्टल पे जाके डिपार्टमेंट के अपने लॉगिन के थ्रू पे करना है, या बैंक में चालान के थ्रू पे करना है, और उस चालान की डिटेल फिल करते हुए आपको ITR 1 फॉर्म भरना होगा। अब दोस्तों जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आपके साथ ITR 1 फॉर्म को भी डिस्कस करूंगा कि वो किस प्रकार दिखता है, उसमें क्या क्या फिलिंग होगी, तो से ITR 1 फॉर्म हमारे पास में ये रहा, इसका नाम सहज है और असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए आप भर रहे हैं। कौन ये ITR फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, ऐसी चर्चा आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ऊपर दिखेगी। जनरल इन्फॉर्मेशन में पैन से शुरू करते हैं, आपको पैन फिलअप करना है, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आप फिलअप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड की डिटेल आप यहाँ पर देंगे, मोबाइल नंबर सही डालना बहुत जरूरी है, और मेरा ये कहना है कि आप पोर्टल में भी चेक करिए कि आपका मोबाइल नंबर कौन सा फील्ड है, ईमेल आईडी भी कौन सा फील्ड है। यहां तक ये भी कहूंगा कि जो व्यक्ति आपकी ओर से रिटर्न भर रहे हैं, चाहे वो टैक्स एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई अकाउंटेंट हो, TRP हो, मैं प्रेफर करूंगा कि आप उनका मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी ना डालें, अपना स्वयं का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालें, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कल आपसे कम्युनिकेट करेगा
आपको पता चले कि हाँ साहब ये इंफॉर्मेशन मेरे रिलेटेड है, तो फिर आप रिलेवेंट सीए या टैक्स एडवोकेट के साथ डिस्कस करके आगे की जो भी अपनी तैयारी करनी हो कर सकते हैं। एड्रेस फिलअप करना है सर, आप कौन से सेक्शन में रिटर्न भर रहे हैं। यदि आप टाइमली रिटर्न भरेंगे तो 139(1) लेंगे, बिलेटेड भरेंगे तो 139(4) लेंगे, रिवाइज करेंगे यानी एक बार रिटर्न भरने के बाद चेंज करेंगे तो आप रिवाइज रिटर्न का कॉलम क्लिक करते हैं। आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिलअप करना दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप कौन से क्षेत्र के एम्प्लॉय हैं वो यहां पर आप फिलअप करें, और यदि आप कहीं भी एम्प्लॉय नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है केवल सैलरीड पेड पर्सन ITR 1 भरेगा, अगर किसी की सैलरी इनकम नहीं है, केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या अदर सोर्स की इनकम है, तो वो भी ITR 1 फॉर्म भर सकते हैं। आइए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अगर आप रिवाइज रिटर्न करेंगे या डिफेक्टिव रिटर्न 139(9) में आपको कोई इंटीमेशन आया है तो आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न जो भरी थी उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर डेट वगैरह इंसर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। फॉर टाइम बीइंग क्योंकि 139(1) पर ये इंट्रोडक्टरी वीडियो मान लीजिए, चाहे आप बिलेटेड भर रहे हो टाइमली भर रहे हो, तो आप इसमें फॉर टाइम बीइंग ज्यादा अपने को परेशान नहीं होना। पर अगला जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू रिजीम। ये चेंज आया है इस साल से ITR 1 फॉर्म में, क्या कि क्या आप ये चाहते हैं क्या कि नहीं भाटिया जी मुझे न्यू रिजीम में नहीं रहना, मैं तो ओल्ड रिजीम में जाऊंगा। तो अगर आप इसको टिक करेंगे येस को तो आप ओल्ड रिजीम से होंगे, और अगर आप नो पर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप न्यू रिजीम के अंदर ही खड़े हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन किसी भी करदाता के लिए करना बहुत जरूरी है कि वो येस या नो में से क्या ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज यू आर नॉट रिक्वायर्ड। ये एक सेक्शन 139(1) में एक प्रोविजो जोड़ा गया दोस्तों बाद में, उसके कुछ कंडीशंस दी गई, जैसे फॉर एन एग्जांपल हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको यह बोलना है कि हाँ साहब मैं रेगुलर रिटर्न भरने के लिए अदरवाइज तो लाइबल नहीं हूं, पर मैं सेक्शन 139(1) के 7th प्रोविजो में आता हूं तो वहां रिटर्न अगर मैं भर रहा हूं तो मेरे को फिर यहां पर यस सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको यहां पर यस या नो का भी सिलेक्शन करना होगा। लेकिन अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है, आप ऑलरेडी रिटर्न भरने के लिए लाइबल हैं, तो मेरे हिसाब से फिर यहां पर आपको ऑप्शन क्लिक नहीं करना। आप नो में भी चलेंगे या अपने सॉफ्टवेयर भी नो कलेक्ट कर लेगा, सिस्टम सेलेक्ट कर लेगा, तो आप इससे आगे बढ़ पाएंगे। अब बेसिक प्रिलिमिनरी डिटेल देने के बाद में आपको ITR 1 फॉर्म जिसका नाम सहज मैंने कहा उसके अंदर डिटेल्स डालनी है। यदि आपकी सैलरी स्रोत से इनकम है, वेतन से आय है, तो सैलरी परक्विजिट्स प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी इनकम ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट एक्सेट्रा, और ये सब भरते हुए अगर कोई अलाउंस आप सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट क्लेम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जब आप ओल्ड रिजीम में हैं तो, या कोई आप 89A की रिलीफ किसी इनकम के लिए लेना चाहते हैं जैसे कोई एरियर वगैरह मिला है तो वो डालना है। नेट सैलरी की डिटेल आप यहां पर देंगे। फर्दर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ध्यान रखिएगा असेसमेंट ईयर 24-25 में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम दोनों में मिलेगा, परंतु एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन केवल ओल्ड रिजीम में मिलेगा, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। एंड फाइनली इस प्रकार आप अपने सैलरी के फाइनल फिगर को यहां पर डिसाइड करेंगे ताकि आपकी फाइनल टोटल इनकम आगे जाके डिटरमाइन। बात करता हूं दोस्तों प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम को कैसे रिपोर्ट करना है, तो रिलेवेंट ऑप्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी का यहां पर दिखेगा। इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है कि मेरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम लेट आउट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट या डीम लेट आउट है तो ही आपको ग्रॉस रेंट का फिलिंग करना है और तभी आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप 2 लाख का डिडक्शन मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल क्लेम कर पाएंगे, और यदि रेंटेड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख की लिमिट नहीं है, फिर आप 2 लाख से ज्यादा का भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार फाइनली आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिसाइड होगी। तो जैसा मैंने पहले कहा 3 हेड्स की इनकम रिपोर्ट होगी इसमें ITR 1 फॉर्म में, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स। यदि अब आपके पास में अदर सोर्स हेड में भी इनकम है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिलेगा, जैसे सेविंग अकाउंट डिपॉजिट का ऑप्शन,
डिविडेंड जैसा मैंने पहले कहा, एफडी का इंटरेस्ट वगैरह, वो सब आपको यहां मेंशन करना है। यदि फैमिली पेंशनर है तो फैमिली पेंशनर को डिडक्शन भी यहां पर 57(2)A में 15,000 रुपए या 1/3 विच एवर इज लो उतने का डिडक्शन और क्लेम करने का ऑप्शन मिलता है। अगर कोई एरियर मिला है आपको आपकी फैमिली पेंशन में तो उसका भी यहां पर माइनस करके लेटर उस एरियर पर टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन होगी। फाइनली तीनों हेड्स की इनकम जब आप जोड़ेंगे B1 B2 B3 तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम यहां निकल करके आएगी। ग्रॉस टोटल इनकम बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है दोस्तों, क्योंकि इसी में से चैप्टर 6A के डिडक्शन मिलते हैं। परंतु ध्यान क्या रखना है, चैप्टर 6A के डिडक्शन न्यू रिजीम में नहीं मिलेंगे, ओल्ड रिजीम में ही मिलेंगे। अब अगला जो पार्ट है ITR 1 का, डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम की कैलकुलेशन है। इसमें वेरियस डिडक्शंस ATC, ATCCC, ATCCD1, ATCCD1B, ATCCD2, ATCCD2 क्या है, यदि एम्प्लॉयर ने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका डिडक्शन मिलेगा। ये न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम दोनों में मिलेगा, लेकिन बाकी जो भी डिडक्शन आपको यहां दिख रहे हैं मेरे हिसाब से वो डिडक्शन आपको केवल और केवल दोस्तों ओल्ड रिजीम में मिलेंगे, न्यू रिजीम में नहीं मिलेंगे। इस प्रकार आपके टोटल डिडक्शन का अमाउंट जो निकलेगा उसे ग्रॉस टोटल इनकम में से जब आप घटाएंगे तो आपका टोटल इनकम का फिगर निकल करके आएगा। ये टोटल इनकम का फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर स्लैब रेट लगाते हुए फाइनल टैक्स लायबिलिटी की आपकी कैलकुलेशन आगे होने वाली। अब दोस्तों जब आपने अपनी टोटल इनकम कंप्यूट कर ली तो आपकी टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन होना लाजमी है या स्वाभाविक है। तो अगला पार्ट डी ऑफ ITR 1 कहता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। इसमें अगर आपने रिबेट है कोई 87A में, जैसे न्यू रिजीम में आपको 25,000 की रिबेट और ओल्ड रिजीम में आपको 12,500 की रिबेट मिलेगी। फाइनल टैक्स आफ्टर रिबेट निकल करके आया, इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% जुड़ा, टोटल टैक्स एंड सेस आपका निकला। यदि आप 89 सेक्शन में कोई रिलीफ क्लेम कर रहे हैं जिसके लिए आपको सेपरेटली फॉर्म 10 ही फाइल करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा कई लोग क्या करते हैं फॉर्म 10 ही फाइल नहीं करते और बाद में दिक्कत आ जाती है कि डिपार्टमेंट रिटर्न प्रोसेस करते समय आपको 89 की रिलीफ नहीं देता। फिर 234A, 234B, 234C का यदि कोई इंटरेस्ट है, 234A का इंटरेस्ट दोस्तों कब लगता है, जब रिटर्न डिलेड फाइल हो और टैक्स ड्यू हो। 234B कब लगता है, जब आपका एडवांस टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा और आपने नहीं पे किया हो। और 234C कब लगता है, जब आपने कोई डेफरमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी की हो और डेफरमेंट होने के दौरान आप पर कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल होती है अंडर सेक्शन 234C। साथ ही दोस्तों अगर आप रिटर्न बिलेटेड फाइल करेंगे जो कि आप लाइबल थे 139(1) में फाइल करने के लिए, तो आपको सेक्शन 234F में फीस देनी पड़ती है, वो भी अपने आप जुड़ जाएगी। और इस प्रकार आपकी टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट का फिगर निकलेगा। इसमें से जो ऑलरेडी आपने टैक्सेस पेड कर दिए माइनस होकर के नेट अमाउंट पेबल या नेट अमाउंट रिफंड टू यू ड्यू टू यू निकल करके आपके फॉर्म में ऑटोमेटिकली जब आप ऑनलाइन जाएंगे तो आएगा। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा कि आपको डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर भी यहां पर देना है। और बैंक के लिए आपको क्या क्या डिटेल देनी है, IFSC कोड देना है, नंबर देना है, बैंक अकाउंट बैंक कौन सा है बताना है, और सेलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट। आपको अपने मान लीजिए चार खाते हैं, आप चारों खाते की डिटेल दीजिए, उनमें से एक खाता सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको रिफंड आना है तो आपको बताना है जी मेरे इस खाते में रिफंड दीजिए। कोई कह सकता है जी मेरा रिफंड नहीं है, फिर भी आपको एक खाता सेलेक्ट करना है। एक और बात कह रहा हूं, आप न केवल खाते की डिटेल यहां डालेंगे, ऑनलाइन भी देखिए अपने पोर्टल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लॉगिन में कि क्या आपका खाता बैंक खाता जिसे आप यहाँ डाल रहे हैं वो वैलिडेटेड है या नहीं है। वैलिडेटेड नहीं होगा तो बाद में लोगों के रिफंड अटक जाते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया है तो उसकी भी डिटेल आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन IT डिटेल्स के अंदर यहां पर मेंशन करेगी, चाहे सेल्फ असेसमेंट हो चाहे एडवांस टैक्स हो। तो यहां आपको डिटेल क्या देनी है, BSR कोड, यानी कौन से बैंक से आपने पेमेंट किया। चालान पे आपको BSR कोड लिखा मिलेगा, किस दिन टैक्स डिपॉजिट किया, चालान का नंबर क्या था और टैक्स कितना पे किया। तत्पश्चात आपको अपने TDS TCS की डिटेल्स भी यहां पर डालनी होगी। मेरा मानना है जब ऑटो फिल्ड EMI हमारे को रिटर्न मिल रही है तो ऑटो फिल्ड रिटर्न में ये सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी भरी हुई मिलेंगी। आपको ये देखना है कि मैं जो TDS क्रेडिट क्लेम कर रहा हूं क्या रिस्पेक्टिव इनकम को मैंने ITR में ऑफर कर दिया है। यदि कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप TDS क्रेडिट क्लेम करने के हकदार हैं। नहीं किया तो फिर आपकी वो TDS क्रेडिट रिटर्न प्रोसेस होते समय डिनाई हो जाएगी। तो ज्यादा क्रेडिट भी नहीं क्लेम कर सकते और कम क्रेडिट तो हम क्लेम करेंगे नहीं, ऐसा मैं मान के चलता हूं।
फाइनली दोस्तों लास्ट पोर्शन निकल करके आता है वेरिफिकेशन का कि ठीक है मैंने जो रिटर्न फाइल करी है मैं उसका वेरिफिकेशन कर रहा हूं। आप सब अवगत हैं कि वेरिफिकेशन के दो मेन तरीके हैं, पहला ई वेरिफिकेशन करना, और यदि ई वेरिफिकेशन नहीं कर पाए तो आईटीआरबी को साइन करके विदिन 30 डेज सीपीसी पहुंचाना। तो ये दोनों में से जो भी प्रक्रिया आप सेलेक्ट करते हैं उसकी अनुपालना जरूर करें। कई बार लोग ई वेरीफाई नहीं करते या रिटर्न के आईटीआरबी को भेज नहीं पाते टाइमली, तो रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। तो ऐसा ना हो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों अंत में मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो डिस्कशन मैंने आपके समक्ष ITR 1 का रखा, इसके माध्यम से आप अपनी रिटर्न भरने में और समर्थवान होंगे। हाँ, एक एक्सरसाइज, एक योगा आपको जरूर करनी है। क्या? प्राणायाम। वो तो आप रोज करते होंगे ऐसा मैं मान लेता हूं। ITR भरने के संबंध में आपको दो बातें मेरी ध्यान रखनी है। पहला, क्या ITR भरने से पहले अपने जरूरी दस्तावेज एक जगह इकट्ठे करिए कि साहब मेरा फॉर्म 16 आ गया, मेरे इंटरेस्ट के स्टेटमेंट आ गए। कुछ लोग कहेंगे अनूप जी ज्यादातर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है, बहुत अच्छा है, पर एक बात जरूर कहूंगा, चाहे सॉफ्ट कॉपी में किसी फोल्डर में या हार्ड कॉपी में एक फाइल के रूप में अपने डॉक्यूमेंट्स को एक जगह करना ना भूलिए। बहुत से लोग ये चीजें, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने देखा कि किसी ने LIC कॉन्ट्रीब्यूशन किया, किसी ने ELSS कॉन्ट्रीब्यूशन किया, किसी ने होम लोन का डिडक्शन क्लेम करना चाहा, किसी ने एजुकेशन लोन का पेमेंट किया, पर उन्होंने अपने दस्तावेज नहीं रखे। बाद में क्या होता है दोस्तों, कभी किसी वजह से असेसमेंट खुला और आप वो दस्तावेज फिर ढूंढने निकले 2-5 साल बाद, तो आपको नेचुरली टाइम लगेगा, हो सकता है कुछ कागज न भी मिले। तो मैं तो ये भी एक बोनस के रूप में अंत में आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि एक फाइल अपनी एनुअल बनाइए, उसमें अपने वार्षिक डॉक्यूमेंट जरूर रखिए, जिसमें बैंक स्टेटमेंट तो जरूर रखिए, ताकि ये डॉक्यूमेंट फ्यूचर में कभी रेफरेंस पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगी तो काम आएंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों यहां विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।